चलो बेटा हो गया, स्टार्ट हो गया, आई एम ऑडिबल, आ रहा है ना। खूब इत्मीनान से देखिए, खूब मजे से देखिए, एक जगह दिमाग रखिए, एक जगह दिमाग इधर रखिए, सब लोग एक जगह दिमाग रखिए, यूनी माइंडेड। खूब मजे से सुनिए, देखिए A1 बैच में मैंने काइनेमेटिक्स स्टार्ट किए है आज से। अभी जस्ट इसके पहले A1 बैच में मैंने काइनेमेटिक्स स्टार्ट की है और काइनेमेटिक्स का मैंने एक लेक्चर दे दिया है जो रिकॉर्डेड है। आप सब लोग उस काइनेमेटिक्स के लेक्चर को अवश्य, बीच में नहीं बोलो बेटा, बार बार नहीं कह पाएंगे हम। देखिए आप सब लोग उस काइनेमेटिक्स के लेक्चर को रिकॉर्डेड एक बार जरूर देख लीजिएगा, एक बार उसको कान में लगा के खूब बढ़िया से सुन लीजिएगा। सारी बातें वही हैं जो बातें आपने क्लास 9-10 में पढ़ी हैं, मोशन इन 1D की ही बात हुई है, ठीक है ना। दो टॉपिक लेके हम लोग चलेंगे, एक टॉपिक A1 बैच में काइनेमेटिक्स चलेगा और इस वाले A2 बैच में क्या चलेगा, आपका यूनिट एंड डायमेंशन में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो खूब आराम आराम से मैं कर रहा हूँ, है ना। इसमें ये वाली शीट फॉलो करूँगा और उसमें वो वाली शीट फॉलो करूँगा, ठीक है ना। तो जब वो वाली शीट के अच्छे प्रॉब्लम्स आएंगे तो वो वीडियोस आप मत देखिएगा, वो एडवांस में लोड हो जाएगा, वो वीडियो आप लोग मत देखिएगा। लेकिन अभी काइनेमेटिक्स के बेसिक्स तो आप उस वीडियो से देख सकते हैं, पसंद में आ रही ना। तो दो चैप्टर एक साथ होंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, अब खूब इत्मीनान, कोई डाउट हो तो हमसे फिर यहां पूछ लीजिएगा। तो खूब इत्मीनान से देखिए, इसके अंदर कुछ आपके स्लाइड्स लोडेड हैं, हम देख लें क्या क्या है। हम पहले इसको देख लें क्या क्या है। फिजिकल वर्ल्ड, बीच में नहीं बोलिए, फिजिकल वर्ल्ड यूनिट एंड डायमेंशन एंड अरेट्स इन मेजरमेंट, फिजिकल वर्ल्ड, साइंटिफिक मेथड। एक मिनट रुकिए, क्या क्या है देखें, बीच में नहीं बोलो बेटा, फिजिकल वर्ल्ड, साइंटिफिक मेथड, यूनिफिकेशन, रिडक्शनिज्म, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, गोल्डन की पॉइंट्स, एक्साइटमेंट। अच्छा छोड़िए, अब वो छोड़ दिया, सब मेरे दिमाग में है, सब मेरे दिमाग में है। एक बार मैं फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट पे आपको एक घंटे तक एक लेक्चर दे रहा हूँ, खूब इत्मीनान से सुनिए और फिर मैं उसके प्रश्नों पे आ जाऊँगा। पहले एक बार कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर दूँ, है ना। तो देखिए ध्यान से, चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। क्या चैप्टर का नाम है? फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ये आपका चैप्टर है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो इस चैप्टर को खूब इत्मीनान से देखिए, खूब इत्मीनान से देखिए। देखिए यहां पे सबसे पहले मैंने क्या किया, क्लिक कर दिया। क्लिक करता हूं ना मैं, यहां गूगल है, गूगल में ऐसे क्लिक कर दिया और क्लिक करते ही फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट के चैप्टर्स खुल गए। ये यूनिट है, ये क्या है बेटा, इधर देखो, इसमें उधर मत ध्यान, डबल माइंडेड नहीं होना है ना बेटा, डबल माइंडेड नहीं। इसकी बात पूरा ध्यान से देखिए, मैंने क्लिक कर दिया, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट एक यूनिट है, इसके चैप्टर्स खुल गए, मतलब कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है ये खुल गया। तो सबसे पहले चैप्टर जो आपका खुला वो है फिजिकल वर्ल्ड। क्या है? फिजिकल वर्ल्ड। अब ये फिजिकल वर्ल्ड में कहानी तो बहुत है, देखो इधर बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं, कई बातें हैं, लेकिन सवाल एक भी किसी भी कंपटीशन में नहीं आता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कोई एक आध बात सब्जेक्टिव पूछ ले तो बात दूसरी है, आमतौर पर इस पाठ से कोई भी प्रश्न नहीं आता है। अब दूसरी बात देखिए, दूसरी बात देखिए, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, सिस्टम्स ऑफ, पहले समझ लीजिए, सिस्टम्स ऑफ यूनिट। इससे भी आपको कोई प्रश्न कहीं भी कंपटीशन में नहीं आता है, लेकिन सिस्टम ऑफ यूनिट्स अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कहीं कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में यूनिट्स के कन्वर्जन में फॉल्ट कर सकते हैं। और हमारा एम क्या है, हमारा एम ये है कि सांगो पांग सिलेबस पढ़ाना, थ्रू सांगो पांग मतलब थ्रू आउट, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो एक बार सारी बातें बोल दें, भले वो आता है नहीं आता है, जल्दी जल्दी बोल दें, है ना।
एक बार सारा बात बोलेंगे। हमने क्या बोला था कि अगर आप जीरो भी फिजिक्स जानते हैं, कोई जीरो नहीं जानता है मुझे पता है, सब लोग अच्छे स्कूलों के ही हैं, तो जीरो कोई नहीं जानता है, लेकिन अगर जीरो भी जानता है तो मेरा एम है, नहीं बेटा ऐसे नहीं करो यार, डबल माइंड होगा तो हमको नहीं पसंद है, कोई भी ऐसी बात हो बाहर कर सकते हैं जाके आप, हम रोकेंगे नहीं, लेकिन यहां नहीं करिए। तो देखिए अगर जीरो भी जानता है तो भी मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूं, जो जो बातें मैं एक बार कहूंगा जरूर, है ना। हालांकि इन दो पार्ट से कोई प्रश्न नहीं बनेगा, कोई प्रश्न कंपटीशन में नहीं आता है, लेकिन ये दोनों पार्ट सिलेबस में तो है, तो एक बार हम बोलेंगे इसके ऊपर। तीसरा आपको जो इस यूनिट में पढ़ना है, ये क्या है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, एक यूनिट है आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में, 10 यूनिट है, मैंने पहले ही दिन बताया था, क्लिक कर दिया। पहली यूनिट आपका क्या है, पहला क्या है, मैथमेटिकल टूल्स एंड वेक्टर्स, ठीक है ना। उसके बाद फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट यूनिट है और उसमें जो लिख रहे हैं वो चैप्टर्स है। पहले मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, आज के फर्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर रहा हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और एक आध पार्ट में बढ़िया से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। और हमने इसके पहले वाले वीडियो में रिकॉर्ड किया है, मेरा अगले एक मंथ का जो टारगेट है, अगले एक मंथ का जो टारगेट है, आज का दिन नोट कर लीजिएगा, यहां से रिकॉर्डेड है ही, एक मंथ के बाद काइनेमेटिक्स और यूनिट एंड डायमेंशन के 100% क्वेश्चंस, 100% क्वेश्चंस, 99.9 नहीं, दोनों मॉड्यूल के मैं यहां लगाऊंगा। तो इतना भी हो जाता है तो कम नहीं होगा, बहुत ज्यादा है, इतना इतना कहीं पर इतना ज्यादा नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा है, इतने में कर रहा हूं, आराम आराम से पहले चल रहा है, हड़बड़ा के नहीं चलना है, इंजॉय करते हुए चलना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या क्या है, मैथमेटिकल टूल्स एंड वेक्टर्स, जो आपका हो चुका है, हो चुका है बेटा। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, और फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में यूनिट है, इस यूनिट में चैप्टर कौन कौन से हैं, पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, दूसरा है सिस्टम ऑफ यूनिट, तीसरा है डायमेंशन एनालिसिस, और चौथा है एरर एनालिसिस, दो हो गया बेटा। इसके बाद तीसरा चैप्टर आपका है वर्क पावर एंड एनर्जी, तो आप सब लोग चिल्लाएंगे, टेंथ में तो हम पढ़े हैं तो मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं। तो टेंथ में जो आप पढ़े हैं उससे खतरनाक रूप में वर्क पावर एनर्जी अब आपके सामने आएगा, खतरनाक रूप लेके, उसके सवाल डेंजरस होंगे। जो सवाल आप टेंथ में पढ़े हैं वो बड़े आसान आसान थे, अब इलेवेंथ में आपको कंपटीशन के सवाल काफी अच्छे अच्छे मिलेंगे, काफी अच्छे स्टैंड के मिलेंगे, ठीक है ना। तो वर्क पावर एनर्जी, चौथा आप क्या पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। तो आप कहेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी हमने पढ़ा है, लेकिन जो आपने पढ़ा है वो थोड़ा सा पढ़ा है। 9th-10th में क्या करता है कि हर टॉपिक का एक सीड डाल देता है, थोड़ा सा बीज डाल देता है, और 11th में आके वो बीज बरगद बन जाता है, पेड़ बन जाता है। 11th में आके वो क्या करता है, बीज पेड़ बन जाता है, और उसके जब सवाल और कंपटीशन लेवल पे आते हैं तो वो पेड़ जो होता है बरगद का पेड़ होता है, लेकिन इसका जो आपका सीडिंग है वो आपका 9th-10th में हो जाता है। तो चौथा चैप्टर आप पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, पांचवा चैप्टर आप पढ़ेंगे रोटेशनल मैकेनिक्स, ठीक है ना, एंड रोलिंग मोशन, ठीक है ना, और इसी में सेंटर ऑफ मास भी बीच में है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद छठा चैप्टर आप पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, कहेंगे ग्रेविटेशन भी हमने पढ़ा है, लेकिन यहां पे खतरनाक रूप में पढ़ेंगे आप, उससे ज्यादा कंटेंट होगा, कठिन कंटेंट होगा, सवाल बहुत अच्छे बनेंगे, कंपटीशन लेवल बहुत अच्छे बनेंगे। फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, उर्फ केटीजी, और फिर आप 8th चैप्टर पढ़ेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, चैप्टर नहीं यूनिट, 8th यूनिट पढ़ेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे, 4 चैप्टर होंगे, पहला आपको बताएगा थर्मोमेट्री, दूसरा आपको बताएगा क्या बताएगा दूसरा आपको बताएगा हीट ट्रांसफर, और तीसरा आपको क्या बताएगा हीट ट्रांसफर बताएगा, थर्मामेट्री बताएगा, उसके पहले थर्मल एक्सपेंशन, ये सब चैप्टर है, यहां चैप्टर लिख रहे हैं, और सबसे सवाल आते हैं खतरनाक टाइप के, और उसके बाद आखिरी थर्मोडायनेमिक्स, ये आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आप पढ़ेंगे। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा
बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स, बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इसमें आप पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स, बात समझ में आ रही ना, इलास्टिसिटी, सबसे पहले इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, फिर इलास्टिसिटी के बाद आप पढ़ेंगे फ्लूड मैकेनिक्स, फ्लूड मैकेनिक्स में हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स आएगा, ये सब चैप्टर्स के नाम है, अभी चैप्टर का नाम ही बता रहे हैं पुराने। फिर आप पढ़ेंगे विस्कोसिटी, और फिर पढ़ेंगे सरफेस टेंशन, फिर क्या पढ़ेंगे सरफेस टेंशन, और दसवां चैप्टर आपका आएगा और ग्यारहवां यूनिट आपका आएगा ऑक्सीलेशन एंड वेव्स, क्या आएगा ऑक्सीलेशन एंड वेव्स, बात समझ में आ रही ना। तो इस तरीके से मैंने एक बार यूनिट्स का नाम ले लिया, और यूनिट्स के अंदर आने वाले सारे चैप्टर्स का नाम ले लिया, और मैंने पहले दिन आपको बताया था कि हर चैप्टर में 10-15 कॉन्सेप्ट्स हैं, हर चैप्टर में 10-15 कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को खूब बढ़िया से आपको अपने वैल्यू सिस्टम में ले आना है, कॉन्सेप्ट्स के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, और वो किसी को भी नहीं करना चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हाँ, प्रॉब्लम्स तो मुझसे भी फंस सकते हैं, कुछ थोड़ी देर बाद लग जाएंगे, प्रॉब्लम्स तो फंस सकते हैं, है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। हर चैप्टर में 10-15 कॉन्सेप्ट हैं, उनको बढ़िया से आपको समझ लेना है, और तब आपका ये फर्स्ट ईयर का फिजिक्स बढ़िया से तैयार होगा, ठीक है ना। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से। तो पहला यूनिट है फिजिकल वर्ल्ड, दूसरा है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना, ठीक है बेटा, और तीसरा चैप्टर है डाइमेंशनल, डाइमेंशनल एनालिसिस, एनालिसिस, और तीसरा, चौथा क्या है, चौथा क्या है बोलो, देखिए चौथा है एरर एनालिसिस, चौथा है एरर एनालिसिस, एनालिसिस, ठीक है ना। इन दोनों पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं, खूब तो नहीं कहूंगा लेकिन कंपटीशन में आते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद जो चैप्टर है काइनेमेटिक्स, वहां से तो भर भर के आना शुरू हो जाता है, अब आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आना शुरू हो जाते हैं जो एक्चुअल में कंपटीशन में आते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमको तो सारी बातें बोलनी है ना, एक बार तो सब बोलना है। एक बात जानिए, आज जो मैं पढ़ा रहा हूं फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, दोबारा मैं इस क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा थ्रू आउट 2 ईयर्स। हाँ, ये सब नहीं पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस जब रिपीटेशन में आएंगे तो क्वेश्चंस लगाएंगे, क्वेश्चंस एडअप होते जाएंगे, लेकिन बेसिक्स मैं फुल एंड फाइनल एक ही बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ओके बेटा, क्लियर है। हाँ, कोई रूल इसमें नहीं चलेगा, बस यही रूल चलेगा कि ये प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एरर एनालिसिस, और उसके बाद अगली बात पढ़ेंगे सम फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचुरे उर्फ नेचर, सम फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचुरे उर्फ नेचर। देखिए एक बार जब हम लोग छोटे थे, सुनिए, एक बार हम लोग जब छोटे थे तो हमारे स्कूल में वो विजिट करने आए, बीच में नहीं बोलो यार, तो जगह दे दी, ये खिसक गए, अच्छा देखिए ऐसा है, सुनिए किसको ऐसा है, हम सब लोग एक टीम है, नहीं ये एक मिनट रुके, वो हंसा देते हैं, अगर आप नहीं चाहिए दुनिया में कोई, आप ही के साथ नहीं किसी के साथ भी, अगर आप नहीं चाहिए तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, एक बात जानिए, आपको खुद को कंट्रोल करना है, दूसरों को कहां तक कंट्रोल कर पाएंगे आप, वो हंसा देते हैं तो आप हंस देते हैं, आप पढ़ाई छोड़ देते हैं, कोई बहाने, ये तो बहाना हुआ ना। देखिए ध्यान से देखिए, खुद पे कंट्रोल करिए, इधर देखिए, अब आपको मैं बता रहा हूं सम फंडामेंटल फोर्सेस, देखो बेटा इधर, सम फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचुरे, तो नेचुरे से एक बात हमको याद आ गई, जब हम लोग पढ़ते थे क्लास में, देखिए जब हम लोग क्लास में पढ़ते थे तो क्या हुआ कि एक वो आए, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्कूल का विजिट करने आए, ठीक है ना,
तो उन्होंने बोला कि ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? तो सब लड़कों ने बोला नटूरे, बहुत पुरानी बात है, नेचर को नटूरे, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि जब ये नटूरे है तो तुम्हारा फटूरे भी अच्छा नहीं है, समझे। जब नेचर को नचूरे पढ़ रहे हो तो फटूरे भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो ये है, तो इधर देखिए, गौर से देखिए, बहुत बढ़िया देखिए। ये आपको हम बता रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स और डायमेंशनल एनालिसिस, फिर एरर एनालिसिस, फिर सम फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, इन सब बातों के बारे में मैं धीरे धीरे डिस्कस करने जा रहा हूं। आज लेक्चर है, आज का पहला है इस दिन का। मैंने बताने कि एक महीने में मॉड्यूल के सारे सवाल लगा देंगे जैसे पहले लगाए, लेकिन पहला दिन है तो मैं थोड़ा बेसिक्स बता रहा हूँ, आराम आराम चल रहा हूँ, ठीक है ना, हड़बड़ाहट नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात, फिजिकल वर्ल्ड में क्या क्या बताया है, फिजिकल वर्ल्ड में क्या क्या बताया, वो सब कहानियां हैं, लेकिन वो सब कहानियां आपको एक बार सुनना चाहिए, एक बार कहानियों को जानना चाहिए। आपके एनसीईआरटी में है तो कुछ महत्वपूर्ण समझ के रखा गया है ना, सिलेबस में है तो कुछ इंपॉर्टेंट समझ के रखा गया है ना, तो अब उसको सुनिए। अरे इसमें से कौन सवाल बनेगा, लेकिन आप बात को पहले सुनिए और समझिए, इसके बेसिक्स को, थ्योरी को समझिए। इसको स्किप किया जा सकता है नीट और जेईई क्लास में, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं, पूरा एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट सब बता रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। फिजिकल वर्ल्ड के बारे में सुनिए, सबसे पहले आपको ये, आप जब एनसीईआरटी पलटेंगे, एनसीईआरटी की लैंग्वेज बता रहा हूं, तो सबसे पहले आपको बताएगा, इधर देखिए, कि साइंस क्या होती है, विज्ञान क्या है, साइंस का मतलब होता है टू नो, एक अरबिक, एक उर्दू वर्ड है इल्म, इल्म का मतलब है ज्ञान, बात समझ में आ रही ना, और नॉलेज, और लैटिन वर्ड है साइंटिया से मिलकर बना है, इसका मतलब होता है टू नो, ये है साइंस, ठीक है ना। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड लेस साइंस, किसी भी चीज का सिस्टमेटिक अध्ययन क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड लेस साइंस, बात समझ में आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इज साइंस और डिलीवरी ऑफ नॉलेज इज एन आर्ट्स। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज क्या होता है, साइंस होता है, और डिलीवरी ऑफ नॉलेज क्या होता है, आर्ट्स होता है। अब किताब पढ़ के आप ये सीख जाएंगे क्या कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना कोई सीख जाएगा, ये कवर, ये क्या कहते हैं, कवर्स है, ये सिली पॉइंट है, ये गली है, ये है, ये सब जान के क्या बहुत अच्छा क्रिकेटर बन जाएगा आदमी, जब तक खेलेगा नहीं। खेलना आर्ट्स है, और खेल के बारे में, जैसे मान लिया क्रिकेट का ग्राउंड कितना बड़ा होता है, क्रिकेट का पिच कितना बड़ा होता है, कितने प्लेयर्स होते हैं, ठीक है ना, कितने स्टंप होते हैं, ये सारी बात जानकारी रखकर क्या कोई प्लेयर बन जाएगा। आप कोई चीज अगर, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इज साइंस एंड डिलीवरी पार्ट क्या है उसका, टीचिंग इज एन आर्ट, पढ़ाना एक आर्ट है, और पढ़ाएंगे कब, जब आपको जानकारी होगी, तो जानकारी का एक्विजिशन तक तो साइंस है, लेकिन जब डिलीवरी देते हैं तो वो आर्ट्स हो जाता है, बात समझ में आ रही ना। बहुत लोग सोचते हैं कि साइंस जो है आर्ट से ज्यादा होता है, आर्ट्स के ऊपर होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जहां साइंस खत्म होती है, आर्ट्स वहीं से शुरू होता है। इस घर को बनाना एक साइंस है, लेकिन इस घर में रहना एक आर्ट्स है, मेरी बात समझ में आ रही ना, वो एक आर्ट है। वेयर साइंस एंड्स, देयर आर्ट बिगिंस, ठीक है ना। अच्छा, अब ये सब बात तो ऐसे ही हो गई। अब आप देखिए, फिजिकल वर्ल्ड में सबसे पहले आप पढ़ेंगे साइंस क्या है, फिर आप पढ़ेंगे साइंटिफिक मेथड क्या है, यानी डिफरेंट लॉ कैसे बनते हैं, लॉ जो बनते हैं हमारे, जो डिफरेंट लॉज हैं वो कैसे बनते हैं। पहले ऑब्जर्वेशन किया जाता है, पहले किसी बात का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। देखो बेटा, इधर ध्यान से देखो, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन बस सुन लो, सिलेबस में है तो उसके बाद साइंस ये होता है, साइंस मैंने बता दिया क्या होता है। अब देखिए, साइंटिफिक मेथड्स मतलब कैसे साइंस के सिद्धांत बनते हैं, तो साइंस के सिद्धांत में सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किया जाता है, फिर उस ऑब्जर्वेशन के अनुसार एक प्रपोज्ड मॉडल होता है, एक मॉडल प्रपोज किया जाता है, ठीक है ना। फिर अगर वो प्रपोज्ड मॉडल डिफरेंट जगहों पर सही होता है तो वो लॉ बन जाता है, जैसे एक पहले ऑब्जर्वेशन किया गया,
फिर उस ऑब्जर्वेशन के बाद एक मॉडल प्रपोज किया गया कि ऐसा है, एक थ्योरेटिकल मॉडल प्रपोज किया गया, और वो थ्योरेटिकल मॉडल अगर हर जगहों पर वैलिड है, मतलब हर जगह वो होता है, तो वो थ्योरेटिकल मॉडल क्या हो जाता है, लॉ बन जाता है। इस तरीके से साइंस में लॉ बनता है, और साइंस में कोई भी लॉ लास्ट नहीं होता है, कोई भी रूल अंतिम नहीं है। एकदम एसेंस समझिए बातों का जो मैं समझा रहा हूं, कोई भी रूल अंतिम नहीं है। साइंस का मतलब होता है खुला दिमाग, ओपन माइंडेडनेस, खुला दिमाग, लकीर का फिकीर नहीं। हर बात में कॉज एंड इफेक्ट है, हर बात में कॉज एंड इफेक्ट है। ये नहीं कि ये कह दिए तो कह दिए, ये कह दिए तो कैसे कहे बताइए, क्या उसके पीछे लॉजिक है, ठीक है ना। और साइंस में रूल्स चेंज होते रहते हैं, कोई भी रूल अंतिम नहीं होता है। अभी आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपके क्लास में से कोई बच्चा ऐसा हो जो कुछ ऐसी बात निकाल दे कि पता लगा न्यूटन ही गलत है। लेकिन केवल ऐसे कहने से नहीं कि न्यूटन गलत है, काहे, क्योंकि हम कह दिए, ऐसे नहीं, आपको एक सतर्क प्रमाण देना पड़ेगा, लॉजिकल उसमें आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कॉज एंड इफेक्ट से, एक्सपेरिमेंटेशन से, तो आपकी आपका नियम फिर एस्टेब्लिश हो जाएगा। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। सबसे पहले ये माना जाता था कि अर्थ क्या है, फ्लैट है। आप बहुत पुराने पुराने साहित्य को पढ़ेंगे, वो कई हजार साल पुराने अगर आप ब्रिटिश साहित्य को पढ़ेंगे तो उसमें क्या कहता था, देखो ध्यान से देखो बेटा, ये सब बात देखो आती नहीं एग्जाम में, लेकिन ये सब बात एक बार सुन लो सिलेबस में तो है ना, दोबारा ये सब नहीं बोलूंगा मैं। तो देखो, जैसे आप बहुत पुराने साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें क्या बोलता था, जॉन डोंट गो फार, क्या बोलता था, जॉन डोंट गो फार, घुड़सवार से बोल रहा है, अदरवाइज यू विल फॉल फ्रॉम द अर्थ। क्योंकि अर्थ को क्या माना जाता था, फ्लैट। अर्थ को क्या माना जाता था, फ्लैट माना जाता था। अब बाद में अब क्या हम मानते हैं, अर्थ गोल है। कितना भी अर्थ पे आप दौड़िए गिरिएगा नहीं ना, दौड़ते रहिए जिंदगी भर, जिंदगी भर दौड़ते रहिए उसके, उसमें गिरिएगा नहीं ना। तो अब देखिए, साइंस में कोई भी नियम अंतिम नहीं है। एग्जाम्पल ये मैंने ये दिया ना। अच्छा, अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। पहले ये कहा जाता था, अरे आवाज आ रही ना, हाँ, पहले ये कहा जाता था कि क्या कहते हैं, अर्थ के अगल बगल सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। देखो बेटा, ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग को विकसित करेंगी, विज्ञान क्या है ये समझने में मदद करेंगी, केवल रटन तू तोता नहीं बनना है ना। देखो, पहले ये कहा जाता था कि धरती माता के अगल बगल सारे प्लैनेट्स चक्कर मारते हैं, और कई हजार सालों तक यही बात थी कि हाँ हाँ सही है सही है सही है। तब तक कॉपरनिकस आया, कॉपरनिकस ने कहा कि ये बात गलत है, जियोसेंट्रिक थ्योरी गलत है, हॉलोसेंट्रिक थ्योरी सही है। और हॉलोसेंट्रिक थ्योरी क्या है, सूर्य भगवान बीचों बीच हैं और सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। बस ये सब लोग सुने तो बड़ी मार मारे, क्योंकि कोई कोई एक नई बात लेके आता है समाज में जो पुरानी मान्यताओं को चैलेंज करती है, तो पहले उसको बड़ा प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है शुरुआत में, और केवल मारे ही नहीं, इसको मार डाले। और कॉपरनिकस की डेथ के बाद पता लगा कि वो जो कहा था वो सच कहा था कि सूर्य भगवान के अगल बगल सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। हॉलोसेंट्रिक थ्योरी है, जियोसेंट्रिक थ्योरी नहीं। तो साइंस में बहुत से नियम बनते और बिगड़ते हैं। पहले एरिस्टोटल ने कह दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम डिटेल में पढ़ाएंगे, एरिस्टोटल ने कह दिया कि टू कीप अ बॉडी कंटिन्यूअसली इन अ स्टेट ऑफ मोशन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो कई सालों तक एरिस्टोटल की बात सही रही, क्या सही बोला, और वही बात मान के लोग चलते रहे। बाद में गैलीलियो ने अपने इंक्लाइंड प्लेन के एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द स्टेट ऑफ मोशन, इट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत है। ये बात बाद में गैलीलियो ने प्रूव की, तो एरिस्टोटल का लॉ गलत हो गया। तो साइंस में नए नियम बनते रहते हैं, साइंस में कोई भी नियम अंतिम नहीं है। साइंस का मतलब है खुला दिमाग, नटशेल में बता रहा हूं, साइंस का मतलब है खुली सोच, समझ रहे हैं ना। हर बात कॉज एंड इफेक्ट पे, नो रूल इज लॉस्ट, नो रूल इज लास्ट, एवरी अथॉरिटी इज चैलेंजेबल। ये नहीं कि न्यूटन कह दिया तो आइंस्टाइन कह दिया, अरे आइंस्टाइन कह दिए, लेकिन उसको आपको लॉजिकली प्रूफ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप केवल कह दिए कि वो गलत कह रहे हैं, तब तो कहेंगे ये बेवकूफ है। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये चीजें हैं, तो आपका फिर नियम बनेगा। तो अब सुनिए, साइंस में नियम कैसे बनता है। सबसे पहले उसी को साइंटिफिक मेथड कहते हैं, वो आपके एक पन्ने में एनसीईआरटी में समझाया है। साइंटिफिक मेथड में क्या आता है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन,
जैसे मान लीजिए एक छोटा सा नियम मैं बता रहा हूं, अब तो ये एस्टेब्लिश नियम बन गया है कि इस यहां से यहां तक बरसात होती है, यहां से यहां तक गर्मी आती है, यहां से यहां तक जाड़ा होता है, और इतने देर बाद जो है फिर दिन होता है, फिर रात होता है। ये एक छोटा छोटी सी बात, नेचुरल लॉ है। तो ये कैसे बना, पहले लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा ना, शुरुआत में जो आदिम मनुष्य होगा उसने ऑब्जर्व किया होगा ना कि ऐसा हो रहा है और ये बात रिपीट हो रही है और हमेशा हो रहा है, तो नियम बन गया, तो नियम बन गया। अगर वो बात, तो नियम ऐसे ही साइंस में बनता है। जैसे मान लीजिए इसने एक छोटा सा नियम बता रहे हैं। नियम दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हाइपोथेसिस और एक होते हैं एक्सपेरिमेंटल लॉ, ठीक है ना। नियम दो तरह के हैं, एक हाइपोथेसिस है और एक क्या है, एक्सपेरिमेंटल लॉ। एक्सपेरिमेंटल लॉ वो होता है जो कंट्रोल लैब सेटिंग में होता है, जो कहां होता है, एक कंट्रोल लैब सेटिंग में होता है। जैसे जैसे आपका ये क्या कहते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, कम कंट्रोल लैब सेटिंग में हुआ है। दो मास रखा गया M1 M2, उनके बीच की दूरी फिक्स की गई R1, और दोनों के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को मेजर, नहीं ये ग्रेविटेशन फोर्स तो काफी कम आएगा, मैं वो वाला एग्जांपल देता हूं, क्या कहते हैं कूलम्स लॉ। जैसे कूलम्स लॉ क्या आ गया कि दो चार्ज Q1 Q2 अगर R दूरी पे हैं तो उन पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये लॉ कैसा लॉ है, ये लॉ एक्सपेरिमेंटल लॉ है, यानी कंट्रोल लैब सेटिंग में किया गया, कंट्रोल लैब सेटिंग में ये लॉ डिराइव किया गया। कैसे किया गया, दो चार्जेस Q1 Q2 को R1 दूरी पर रखा गया और फिर उनमें लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स मेजर किया गया, और फिर इस चार्ज को एक बार चेंज किया गया, फिर फोर्स मेजर किया गया, फिर इस चार्ज को चेंज किया गया, फिर फोर्स मेजर किया गया, फिर चार्ज को कांस्टेंट रखा गया, डिस्टेंस को चेंज किया गया, फिर फोर्स मेजर किया गया। ऐसे 15-20-100 ऑब्जर्वेशन लिए गए, और ऐसे ऑब्जर्वेशंस को लेने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो फोर्स लगता है ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, वो क्या होता है, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये लॉ बन गया, ये बात हर जगह हो रही है, तो ये लॉ बन गया। तो सबसे पहले क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, फिर एक प्रपोज्ड मॉडल, और वो प्रपोज्ड मॉडल का फिर वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन जब हर जगह एप्लीकेबल होता है तो वही लॉ बन जाता है, ठीक है ना। साइंस के तीन मूलभूत चीजें होती हैं, एक होती है ऑब्जेक्टिविटी, एक होती है, ये सुनिए, ये सब कहानियां हैं लेकिन एनसीईआरटी ने रखा है, इससे सवाल नहीं बनते हैं, लेकिन इस एनसीईआरटी ने रखा है, देखो बेटा तो कुछ सोच के रखा है ना, ये आपका साइंस के प्रति मानस विकसित कर रहा है, नहीं तो आइए लाइन से रटवाते चले जाएं, एक बार इसको भी बोल लेते हैं जो सिलेबस में है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए, साइंस की मूलभूत तीन बातें क्या होती हैं, ऑब्जेक्टिविटी, रेशनैलिटी और यूनिवर्सलिटी। ये तीन बातें हैं तो साइंस है। ऑब्जेक्टिविटी से मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिविटी से मतलब क्या है बोलिए। जैसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से क्या समझते हैं, मैंने अगर आपसे पूछा कि ये किस कलर में लिख रहे हैं, तो आप सब लोग बोलेंगे ग्रीन, इसमें कोई बट नहीं है, एक ही आंसर है। लेकिन अगर मैं ये पूछ लूं ये कलर कैसा है, तो इसमें सब्जेक्टिविटी आ जाएगी, कोई कहेगा कि कलर अच्छा है, कोई कहेगा खराब है, कोई कहेगा बहुत अच्छा है। डिपेंड करेगा कि आपके पुराने परसेप्शन कैसे हैं, डिपेंड करेगा कि आप पहले से क्या सोचते हैं, डिपेंड करेगा कि आपके आइडियाज कैसे हैं, ठीक है ना। तो ये कलर का रंग तो ऑब्जेक्टिव आंसर है, लेकिन कलर कैसा है ये सब्जेक्टिव आंसर है, ठीक है ना। तो साइंस में क्या क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, पहली बात ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात साइंस के अंदर क्या होना चाहिए, यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी का क्या मतलब है, अगर पानी का एक मॉलिक्यूल यहां गोरखपुर में गोलघर में, अगर पानी का एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो अमेरिका या लंदन में चेंज नहीं हो जाएगा, वहां भी पानी का एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से ही बनेगा। तो साइंस का मतलब है यूनिवर्सलिटी, यानी हर जगह वो बात लागू है, और दूसरी बात ऑब्जेक्टिविटी है ना, और तीसरी बात क्या है, रेशनैलिटी, यानी उसके अंदर तर्क होना चाहिए। साइंस मतलब तर्क, ठीक है ना।
साइंस मतलब तर्क। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि मैं आप लोग को मेडिकल में आईटी में चयन करा दूंगा, तो उसका क्या पैमाना है, उसका क्या मापदंड है, कैसे करा दूंगा, कैसे करा दूंगा, मैं वो शीट लगा रहा हूं जिससे पिछले 10 साल से लोग कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, मैं वो शीट 100% लगवा रहा हूं। तीसरी बात, उस पे बेस्ड मैं टेस्ट ले रहा हूं, ठीक है ना। तो ये सारी बात अगर आप फॉलो करते हैं तो क्यों नहीं होगा, पहले होता आया है तो आगे भी होगा, है ना। तो साइंस का मतलब क्या है, सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, रेशनैलिटी और यूनिवर्सलिटी। ये बात आर्ट्स में नहीं होती है, ये बात आर्ट्स में नहीं होती है। जैसे हमारे कल्चर में जो बात सही या गलत है, आर्ट्स की बात, मान लीजिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, तो जो हमारे कल्चर में सही है गोरखपुर में, वो अमेरिका लंदन में उससे डिफरेंट हो सकता है। जो बात हमारे लिए सही है, आप वहां जाइएगा तो वहां वो बात कोई जरूरी नहीं कि वो बात सही हो, वहां कोई और तरीके से बात होगी, होगी कि नहीं होगी, बोलिए। हम लोग जब पढ़ते थे शुरुआत में, तो कोई लड़का अगर किसी लड़की से पेन भी मांग लेता था तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, बहुत बड़ी बात हो जाती। अब जमाना कितना तेज चेंज हो गया, कोएड उस समय भी शुरू हो गया था लेकिन ये एक बहुत बड़ा खिस्सा हो जाता था, लेकिन अब क्या है, अब ये नॉर्मल बात हो गई, ये नॉर्मल बात लोगों ने बना दी। तो ये मेरे कहने का मतलब है। और वेस्टर्न कंट्रीज में जाइएगा तो वहां कल्चर में और डिफरेंट तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी है, और डिफरेंट तरह से लोग सोचते हैं। तो आर्ट्स में क्या होता है, आर्ट्स में जो चीज यहां सही है वो कोई जरूरी नहीं कि अगली जगह भी सही हो, मेरी बात समझ रहे ना। तो अगर ऑब्जेक्टिविटी, रेशनैलिटी और यूनिवर्सलिटी नहीं है तो वो साइंस नहीं है। साइंस का मतलब है खुला दिमाग, यही सब बढ़िया समझाया है, बात समझ में आ गई, एसेंस मैंने बता दिया। अब कोई कुछ देखेगा नहीं, इतनी बात यहीं खत्म। ये पार्ट फिजिकल वर्ल्ड वाली बात जो डिस्कशन मैंने किया है ना, उसके बाद पहले आपको बताया कि साइंस क्या होता है, नेटशेल में बता रहा हूं, फिर बताया कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है, फिर तीसरी चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि इसमें एक बात है, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म, यह भी समझाया है, मैं तो अभी तक जितनी जगह भी क्लास किया तो यूनिफिकेशन रिडक्शनिज्म का मतलब है बच्चे नहीं समझते हैं, मैं समझा रहा हूं एक ही बार में समझ जाइए। साइंस का एक और थ्रस्ट है, थ्रस्ट मतलब एक और ऑब्जेक्टिव है, यूनिफिकेशन करना और रिडक्शनिज्म करना। तो यूनिफिकेशन से क्या मतलब है, देखो यार बेटा, यूनिफिकेशन का मतलब है डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ नॉलेज को एक सिंगल यूनिफाइड नॉलेज में इंटीग्रेट करना। नॉलेज क्या होता है, व्हाट इज नॉलेज, अगर ज्ञान क्या होता है, बोलिए, बस आप उसका बस वर्ड मीनिंग बता रहे हैं, ज्ञान नॉलेज होता है, नॉलेज ज्ञान होता है। देखिए ज्ञान एक होलिस्टिक टर्म है, जैसे मान लीजिए एक हाथी है, मैं पूछा हाथी क्या है, तो कुछ लोग बोलेंगे हाथी क्या है, हाथी की आंख हाथी है कि नाक हाथी है कि कान हाथी है, सब मिला जुला के हाथी ना है, सब मिला जुला के। तो जो डिफरेंट फैकेट्स ऑफ नॉलेज आप पढ़ते हैं, जैसे आपने केमिस्ट्री पढ़ी तो क्या केमिस्ट्री में फिजिक्स नहीं है, है, पूरा मॉडर्न फिजिक्स तो केमिस्ट्री ही है। मैथ्स में क्या फिजिक्स नहीं है, और भी सब्जेक्ट से क्या फिजिक्स का रिलेशन नहीं है, रिलेशन है ना, रिलेशन है कि नहीं, रिलेशन है। तो साइंस का एक ट्रस्ट ये भी है कि क्या कहते हैं, क्या नाम है यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। तो ये एनसीईआरटी का टर्म, इसका मतलब समझिए, यूनिफिकेशन का मतलब क्या है, टू इंटीग्रेट डिफरेंट फैकेट्स ऑफ नॉलेज इनटू सिंगल यूनिफाइड कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, ठीक है ना। डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ नॉलेज को एक सिंगल यूनिफाइड कोहेसिव स्ट्रीम में लाना ही यूनिफिकेशन कहलाता है। यह भी साइंस का एक थ्रस्ट है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देके आपको बताएं, आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी, इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट अलग हुआ और मैग्नेटिज्म का डेवलपमेंट अलग हुआ, साथ में नहीं हुआ, दोनों एक साथ नहीं डेवलप हुए, इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट अलग हुआ, मैग्नेटिज्म का डेवलपमेंट अलग हुआ। लेकिन आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को बहुत गौर से देखिए तो बहुत सी बातें इलेक्ट्रिसिटी की ऐसी हैं जो मैग्नेटिज्म में भी है, ठीक है ना। जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पूरी पढ़ा दूंगा तो आपको 70% मैग्नेटिज्म भी आती रहेगी, भाई वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां मैग्नेटिक फील्ड है, कॉन्सेप्ट देखिए, फील्ड का कॉन्सेप्ट देखिए। इवन ग्रेविटेशन आप पढ़ लेंगे तो ग्रेविटेशन फील्ड का भी कॉन्सेप्ट यही है, फील्ड का कॉन्सेप्ट यही एक ही है।
ठीक है ना, अगर फील्ड मतलब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, अगर अगर मास की वजह से फील्ड है तो ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर चार्ज की वजह से फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक डायपोल की वजह से फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड का कॉन्सेप्ट देखिए, यहां इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, वहां मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, कुछ डिफरेंस है लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट एक है, ओवरऑल इको एक ही आ रहा है, बात सुने, यहां यहां क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यहां इलेक्ट्रिक डायपोल वहां मैग्नेटिक डायपोल, बात एक है, यहां यहां टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिकल डायपोल, वहां टॉर्क एक्सपीरियंस बाय मैग्नेटिक डायपोल, तो इलेक्ट्रिक जैसे मेरे पढ़ाने का जो तरीका है, सुनिए इधर देखिए, उसमें मैं 100% में केवल 60% फिजिक्स पढ़ाता हूं और 60% से मैं 100% रिलेट कर देता हूं, कम पढ़ाता हूं ज्यादा बच्चे सीख जाते हैं, रिलेट कर देता हूं, जैसे आपको जब ट्रांसलेशन मोशन खत्म करेंगे तो रोटेशन मोशन की बात जब पढ़ाएंगे तो बहुत सी बातें आप जानते रहेंगे, अरे यहां फोर्स है वहां टॉर्क है, यहां मास है वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहां लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, वहां लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, एक बात अगर समझ जाएंगे आप, जो दूसरी बात भी आप समझ जाएंगे, समझने में आसानी होगी, बात समझ में आ रही ना, समझने में आसानी होगी, तो फिजिक्स के भी बाकी सब्जेक्ट का तो फिजिक्स से रिलेशन है ही, लेकिन फिजिक्स के भी डिफरेंट पार्ट्स का आपस में रिलेशन है, तो डिफरेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को सिंगल यूनिफाइड कोहेसिव पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में प्रेजेंट करना, यह भी साइंस का एक उद्देश्य है, इसी को यूनिफिकेशन कहते हैं, बात समझ में आ रही ना, बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है, थोड़ा सा ये पीस एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन एक बार कहना पड़ेगा। अब रिडक्शनिज्म क्या है, रिडक्शनिस्ट में हमारा तात्पर्य है, रिडक्शनिस्ट में हमारा तात्पर्य है कि किसी अगर कोई बहुत बड़े सिस्टम को स्टडी करना है तो उसको सिंपल कॉम्प्लेक्स पार्ट्स में तोड़ के जब अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने में आसानी होती है। जैसे मान लीजिए आप किसी विश्वविद्यालय का अध्ययन करने गए तो उसको आप कई पार्ट्स में तोड़ लीजिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, ये क्या कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइंस का है स्ट्रीम है, ये आर्ट्स का स्ट्रीम है, साइंस के स्ट्रीम में ये सब्जेक्ट का स्ट्रीम है, यहाँ इतने सब्जेक्ट हैं, यहाँ इस स्ट्रीम में इतने एचओडीज हैं, इतना ये है, इतने क्लासेस हैं, फिर ऐसे ऐसे किसी बड़े सिस्टम को स्टडी करना है देखो तो डायरेक्ट आप जाके ऐसे स्टडी नहीं कर पाएंगे, उसको डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ के ही बढ़िया तरीके से स्टडी कर पाएंगे। तो इसको कहते हैं रिडक्शनिज्म, यानी स्टडिंग अ बिगर कॉम्प्लेक्स सिस्टम बाय ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स इज कॉल्ड एज रिडक्शनिज्म। ये भी आपका एनसीईआरटी में दिया है, इसका मीनिंग समझ गए, इसका नोट शोट्स मैं नहीं दूंगा, एक बार चूंकि सिलेबस में है तो मैं मुंह से बोल दे रहा हूं, ये सब इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस कहीं नहीं आएंगे, लेकिन ये आपके सिलेबस में तो इंपॉर्टेंट है तभी ना दिया, मतलब इसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है तभी ना दिया है, तो एक बार सुन लीजिए, वेल एक्सप्लेन कर दे रहा हूं उसको मैं, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए फिजिकल वर्ल्ड में, फिर से मैं नेटशेल में देख रहा हूं क्या क्या बताया, सबसे पहले बताया है फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, देखिए देखिए सबसे पहले बताया, आप क्या करेंगे तो पेन फेंक देंगे मुंह में, देखिए अगर ये फिजिकल वर्ल्ड में सबसे पहले क्या पढ़ाया है, सबसे पहले क्या पढ़ाया फिजिकल वर्ल्ड में, देखिए क्या पढ़ाया कि साइंस क्या है, ठीक है ना, साइंस का मतलब है टू नो, साइंस का मतलब है टू नो, जान, ठीक है ना, लैटिन वर्ड है साइंटिया मतलब नॉलेज, ठीक है ना, अरबी वर्ल्ड है इल्म, ठीक है ना, और संस्कृत में वर्ल्ड है विज्ञान, ठीक है ना, तो मेरी बात समझिए, सबका एक ही मीनिंग है, ये साइंस है। दूसरी बात साइंटिफिक मेथड्स मतलब साइंस में नियम कैसे बनते हैं, वो समझा दिया मैंने। फिर साइंस के बेसिक थ्रस्ट क्या है, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म, यूनिफिकेशन रिडक्शनिज्म एक बार बोल दिया मैंने, यूनिफिकेशन मतलब कई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को सिंगल इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना, ठीक है ना, वीडियोस देखे हो नहीं, कुछ देखे हो, एक ही देखे हो, पूरा देखे हो तभी तो पूरा पुराना छूटा है ना तुम्हारा, लग रहा है कि तुम ठीक करोगे इसलिए हम कह रहे हैं, एक बार देख लो, देखो नहीं देखो, एक बार जो पुराना छूट गया है ना, इस चैप्टर से तो तुम एकदम ठीक आ जाओगे, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है और काइनेमेटिक्स से तो क्वेश्चंस बहुत बढ़ने लगते हैं, तब तुम पकड़ एकदम बराबर आ जाओगे, है ना। अच्छा उसके बाद देखिए यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म साइंस का एक थ्रस्ट है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात पढ़िए, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल इवेंट्स, नेचुरल फिनोमिनॉन्स इज कॉल्ड एज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनॉन्स, ठीक है ना। उसके बाद एनसीईआरटी में एक और हेडिंग देता है, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो स्कोप तो फिजिक्स का हर जगह है, आज की तारीख में कोई भी ऐसी जगह नहीं है
शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां भौतिकी का इस्तेमाल ना हो। इंजीनियरिंग का तो बेसिक फिजिक्स है, इंजीनियरिंग का तो बेसिक फिजिक्स है, बात समझ में आ रही ना। तो फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनॉन्स, ये फिजिक्स है आपका भाई। पहले साइंस समझा दिया, अब फिजिक्स बता दिया, फिजिक्स क्या होता है ये है, बात समझ में आ रही है। अब देखो बेटा इधर देखो क्या हुआ, ये आपका फिजिक्स है, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनॉन्स, ठीक है। अच्छा अब आगे की बात देखो बेटा, एक और हेडिंग आएगी एनसीईआरटी में, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो आप देखेंगे कि फिजिक्स का स्कोप हर जगह है। आप ये बताइए यहां फिजिक्स है कि नहीं है? आप अपने वाहन से आए घर से लेके यहां तक, चाहे साइकिल से चाहे मोटरसाइकिल से, तो वो भी फिजिक्स है कि नहीं? वहां बोलिए फिजिक्स है। ये पंखा चल रहा है वहां फिजिक्स है कि नहीं? फिजिक्स है। ये आपकी बिल्डिंग खड़ी है वहां फिजिक्स है कि नहीं? भाई कहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, कहां बीम है, कहां क्या, ये फिजिक्स है कि नहीं? फिजिक्स है, फिजिक्स है ना, बोलो बेटा। तो फिजिक्स का स्कोप हर जगह है, आपके एवरी फैकेट ऑफ लाइफ में फिजिक्स का उपयोग है, साइंस का उपयोग है, हर जगह। पेन ऐसे लेके बैठे हैं वहां भी फिजिक्स है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ऐसे हो जाता, ऐसे आपने ऐसे ऐसे किया वहां भी फिजिक्स है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो फिसल जाता। तो इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ देयर इज फिजिक्स, गेटिंग दिस और नॉट? वीडियोस देखो सारा, तुम अच्छा करोगे, ऐसा लग रहा है, ध्यान से सुन रहे हो इसलिए हमको लग रहा है, बॉडी रिएक्शन भी बता रहा है। तो देखो इधर देखो, इधर देखो, तो वो क्या है, वहां भी क्या है, फिजिक्स है, फिजिक्स है, फिजिक्स हर फैकेट ऑफ लाइफ में है, हर जगह। और इसका एक्साइटमेंट क्या है, एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट तो जब तक आप फील नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा, चाहे कितनी भी अच्छी चीज हो, ठीक है ना। एक्साइटमेंट क्या है, चीजों को हम मेजर कर सकते हैं, चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या होने वाला है, फिजिक्स की वजह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कोई क्वांटिटी अगर आप मेजर नहीं कर सकते, जैसे आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर आप किसी चीज के बारे में नहीं जानते हैं, किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है ना। तो फिजिक्स और साइंस की मदद से चीजों को आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, मेजर कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये जान सकते हैं। तो ये स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स है, ठीक है ना। अब बहुत डिटेल में मैं नहीं बोलने जा रहा हूं। तो आपका फिजिकल वर्ल्ड में मोटी मोटी यही सब कहानियां हैं, इन सब कहानियों को पढ़ लीजिए, आपका पहला यूनिट खत्म। लेकिन आएगा इससे घंटा नहीं, कुछ नहीं आएगा इससे, हाँ ये बस घंटा बजा दिए इस चैप्टर में, यहां कथा हो गई, सुनिए कथा हो गई, पहले चैप्टर की कथा हो गई। लेकिन ये इतनी बात आप जाने तो सही, इतनी बात आपको पता तो लगी, फिजिक्स क्या होता है, साइंस क्या होता है, साइंटिफिक मेथड क्या, देखिए सुनिए, हाँ नेट शेल में आप सुनिए, नेट शेल में आपको क्या क्या जानना है, सुनिए सारे लेक्चर को मैं कंपाइल कर रहा हूं। सबसे पहली बात, साइंस क्या होता है, नॉलेज टू नो, इल्म साइंस है। दूसरी बात, फिजिक्स क्या होती है, स्टडी ऑफ नेचर एंड फिनोमेनन। तीसरी बात, साइंटिफिक मेथड क्या है, साइंटिफिक मेथड क्या, ऑब्जर्वेशन। उसके बाद क्या कहते हैं, रूल का फॉर्मेशन, वो रूल, वो प्रपोज थ्योरी का, प्रपोज थ्योरी, ठीक है ना। अगर वो प्रपोज थ्योरी हर जगह एप्लीकेबल होगा रूल, और उस रूल में अगर कहीं कुछ फर्क आया, कहीं कुछ कमी आई, तो या तो उस रूल में मॉडिफिकेशन या नया रूल, इस तरह से सब्जेक्ट ग्रो करता है, ये साइंटिफिक मेथड है। फिर आपने पढ़ा स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फिर आपने पांचवी बात पढ़ी, जो पढ़ा उसको मैं नेटशेल में कह दे रहा हूं, कि साइंस का बेसिक थ्रस्ट क्या है, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन का मतलब क्या है, डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ नॉलेज को सिंगल यूनिफाइड स्ट्रीम ऑफ नॉलेज के रूप में लाना। जैसे मान लीजिए अगर हम इस क्लास का एक यूनिफिकेशन कर दें, तो इस क्लास एक टीम बन जाएगी, और टीम बन जाएगी तो जबरदस्त परफॉर्मेंस होगा। दो और दो 11 भी होते हैं, और दो और दो 0 भी होते हैं, और नहीं एक और एक 11 भी होते हैं, और एक और एक 0 भी होते हैं, और एक और एक 2 भी होते हैं। डिपेंड करता है कि आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोग टीम की तरह से एक्ट करेंगे तो सब लोग दूसरे की मदद करेंगे, लेग पुल करेंगे तो मिला जुला के सब एक दूसरे का नुकसान करेंगे। तो अब देखिए, हाँ अब नेक्स्ट चीज देखिए, उसके बाद आपने ये पढ़ा, फिर उसके बाद एक बात और, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, एक बात और होती है। माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटी छोटी चीजों, सुनिए, माइक्रोस्कोपिक मतलब एटम मॉलिक्यूल लेवल के स्तर पे जानकारी, और मैक्रोस्कोपिक मतलब हायर लेवल पे बातें,
ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, ये तो आप लोग क्लास 9-10 में ही पढ़े होंगे, पढ़ेंगे नहीं पढ़े हैं। तो इस तरीके से फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर को मैंने समेट दिया, अब उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट को भी समेट दे रहे हैं, और फिर नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट पीरियड में जब आएंगे तो यहां से सवालों के साथ चलेंगे, क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, डायमेंशन एनालिसिस, एरर एनालिसिस यहां से भी नहीं बनते हैं। ये दो बात मैं लपेट दे रहा हूं, ये दो बात मैं इस पीरियड में लपेट दे रहा हूं, और फिर इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, सारे मॉडल के क्वेश्चंस लगाऊंगा, सारे मॉडल के क्वेश्चंस लगाऊंगा, ये और ये मैं लपेट दे रहा हूं, ठीक है ना। ये सिर्फ भागवत है, भागवत को बदनाम ना किया जाए, वो तो बहुत बड़ी वो है, ये मतलब जैसे मजाक में लोग कहते हैं रामकोला की भागवत, तो इसको जल्दी जल्दी तीनों कर देते हैं, है ना, और ये दो पार्ट जो है हम फिर डिटेल में बाद में कर देंगे, मतलब नेक्स्ट पीरियड से वहां से क्वेश्चन लगाना और उसमें प्रॉब्लम्स बनेंगे, प्रॉब्लम्स हम करेंगे, है ना। जय भगवान, क्षमा करिएगा, भागवत तो भगवान कृष्ण की कथा है। तो देखिए, अब दूसरी बात देखिए, मैं आपको नेक्स्ट बात बताने जा रहा हूं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये बताने जा रहा हूं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सबसे पहले देखिए कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कुछ बातें, जैसे सम फंडामेंटल क्वांटिटीज, यहां पे इसको ऐसे करें, जैसे आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स का थोड़ा सा हम बता दें, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जल्दी जल्दी इसको देख लीजिए एक बार। तो देखिए, जैसे फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, ये बात कितने लोग समझ गए, फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, सब लोग समझ गए, जैसे लेंथ, मास, टाइम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। अब देखिए, इन फिजिकल क्वांटिटीज में से कुछ बेस फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, कुछ बेस फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, ठीक है ना, जैसे लेंथ, मास, टाइम, देखिए लेंथ, लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, एम्पियर, और क्या है, मोल। देखिए, इन फिजिकल क्वांटिटीज में से, जैसे मैंने बताया कि फिजिक्स में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, कुछ एग्जांपल मैंने दे दिया, फिर मैंने बताया कि इन फिजिकल क्वांटिटीज में से कुछ बेस या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। बेस फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनसे ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज बनती हैं। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये किससे मिली है, किससे बनी है, लेंथ और टाइम से, हाँ, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है, डिराइव्ड है। एक्सेलरेशन क्या है, डिराइव्ड है। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, यानी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो बेसिक होती हैं और उनसे सारी फिजिकल क्वांटिटीज बनती हैं। उन बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 नंबर होती हैं, लेंथ, मास, टाइम, ठीक है ना। लेंथ, मास, टाइम, लेंथ किसी से नहीं बनता है, लेंथ अपने आप में फंडामेंटल है, ठीक है ना। तो लेंथ, मास, टाइम, ये सब क्या है, टाइम, और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, हाँ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, हाँ, कैडिला, ये सब क्या है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, और बाकी फिजिकल क्वांटिटीज इसी से बनती हैं। बात समझे, जैसे चावल क्या है, बेसिक, दाल क्या है, बेसिक, और खिचड़ी क्या है, डिराइव्ड, तहरी क्या है, डिराइव्ड, चावल दाल से बना है, बोलिए, डिराइव्ड है ना। तो अब उसी तरीके से देखिए, जो किसी से नहीं बनती है, सुनिए, लेंथ तो बोल दिया, लेंथ बोल दिया ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैडला बोल दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक और है, एक मिनट चुप रहिए, सुन लीजिए, धीरे धीरे बता रहे हैं। एक आपका टेम्परेचर केल्विन, ये आपकी 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक यूनिट्स है। जैसे करंट का एम्पियर लिख दिया ना,
और उसके बाद टाइम का टी लिख दिया, मास का एल लेग लिख दिया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल लिख दिया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैडला, और क्या कहते हैं इसका, हाँ टेम्परेचर का केल्विन, टेम्परेचर केल्विन, ये सब, हाँ ये सब क्या है, सुनो ये सब बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और बाकी जितनी फिजिकल क्वांटिटी हैं जैसे मोमेंटम, इंपल्स, ठीक है ना, ये सब क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये सब कैसी हैं बोलिए, ये सब कैसी हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये सब कैसी हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इनको देखो, इधर देखो बेटा, इनको हम डिराइव करते हैं और ये सब बेसिक है, ठीक है ना। इसके अलावा दो और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक होता है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और दूसरा क्या है, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये भी दोनों, ये दोनों क्या सप्लीमेंट्री मतलब ये तो सेवन बेसिक्स हैं, और ये क्या है, दो सप्लीमेंट्री भी हैं, एक है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन, और इसकी क्या है, इसकी क्या है, स्टेरेडियन। अब देखिए सॉलिड एंगल क्या होता है, आप लोग प्लेन एंगल सब लोग जानते ही हैं कि कोई भी सर्किल का आर्क उसके सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है वो क्या होता है, प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल थीटा बराबर आर्क बाई रेडियस, बात समझ में बेटा, बोलो जल्दी से। लेकिन सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, हाँ 3D उसमें, जैसे पैराशूट से कोई आदमी कूदा पैराशूट से, देखिए पहले ही बोलने, ऐसे पैराशूट से कूदेगा तो कैसे मर जाएगा, पैराशूट खुल जाए, देखिए कोई पैराशूट से कूदा तो पैराशूट के दोनों जो वो होते हैं, जो धागे डोरे होते हैं, वो जो एंगल सबटेंड करते हैं पैराशूटर पे, वो सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल कोई एरिया सबटेंड करती है, सुनिए, सॉलिड एंगल कोई एरिया सबटेंड करती है, और प्लेन एंगल क्या करता है, कोई आर्क सर्किल का आर्क जो सेंटर पर सबटेंड करता है वो प्लेन एंगल है, और कोई एरिया जो सबटेंड करती है वो क्या होता है, वो सॉलिड एंगल होती है। एरिया भी तो एंगल सबटेंड करती है, जैसे मान लीजिए ये पूरा है, ये आपका पूरा ये है, क्या कहते हैं दरवाजा, ये दरवाजा एक एरिया है ना, एक लाइन नहीं ना है, एक एरिया है ना, तो ये एरिया जो एंगल मेरी आंख पे सबटेंड कर रही है वो सॉलिड एंगल है, और कोई लाइन जो सबटेंड कर रही है या कर्व लाइन जो सबटेंड कर रही है वो क्या है, वो प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल पहले से जानते ही हैं, सॉलिड एंगल अब से जान लिए, प्लेन एंगल बराबर आर्क बाय रेडियस होता है, और सॉलिड एंगल बराबर एरिया बाय रेडियस स्क्वायर, तो वो जो सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है वो क्या है, इसकी पूरी एरिया और डिवाइड बाय उससे जो दूरी है उसका आर्क का स्क्वायर, बासन में आ रही ना। प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन, और सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेरेडियन, ये बासन में आ गई, समझ में आ गई। अच्छा अब देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, जल्दी देख लीजिए, इतना ही बता के मैं छोड़ रहा हूं, नेक्स्ट पीरियड से मैं क्वेश्चंस के साथ आ जाऊंगा, है ना, सुन लीजिए। देखिए मेरा एम ये है कि कुछ भी हमको छोड़ना नहीं है, चाहे वो अनइम्पॉर्टेंट ही हो, तो इसलिए एक बार बोलना जरूरी है। अब पुराना वीडियो जो दोनों चैप्टर लेके चलिए, काइनेमेटिक्स पहले से है उसको भी सुनिए, इसको भी सुनिए, अब सवाल उसमें भी लगना शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट पीरियड से, है ना। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, और वीडियोस पुराने सारे लाइन से एक बार देख लीजिए, तब बराबर आ पाएंगे, हम लोग आगे निकल गए। अच्छा अब नेक्स्ट ही देखो, इधर देखो, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आप देखेंगे कि कितने तरह की सिस्टम है। जैसे मान लो पहले क्या था कि डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट सिस्टम चलता था, पता लगा कि लंदन में चल रहा फीट पाउंड सिस्टम, मतलब डिस्टेंस को फीट से मेजर कर रहे हैं और वेट को पाउंड से मेजर कर रहे हैं, बात समझ में आ रही ना, और टाइम को सेकंड से मेजर कर रहे हैं, पता लगा इंडिया में डिस्टेंस को दूसरे तरह से मेजर कर रहे हैं, दूसरे तरीके से मेजर कर रहे हैं, कट्ठा से मेजर कर रहे हैं, तो पता नहीं जो भी है। तो अब वहां पे कोई किताबें लिखी गई हो, देखो वहां कोई किताब लिखी गई हो तो यहां पे कन्वर्जन करते रह जाएंगे लोग सुबह से शाम, समझ नहीं पाएंगे। तो एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मीटिंग हुई, हाँ, जिसमें SI यूनिट सामने आया, उसमें यह आया कि सभी वर्ल्ड जो है पूरे वर्ल्ड में हर जगह मेजरमेंट की एक यूनिफॉर्म यूनिट होगी, लेंथ को का जो मेजरमेंट एक जगह होगा वो वर्ल्ड के अन्य जगहों पर भी उसी में होगा। तो सिस्टम इंटरनेशनल सामने आया,
नहीं तो पहले कई तरह के सिस्टम चलते थे, एक एफपीएस सिस्टम, ठीक है ना, एक सीडीएस सिस्टम। सीडीएस में क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है ना, एफपीएस सीजीएस, फिर एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है ना। फिर एमकेएस सिस्टम में रुक जाइए, करंट का एम्पियर जोड़ दिया गया तो एमकेएस सिस्टम, और इस समय सलमान सिस्टम जो है वो है सिस्टम इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल सिस्टम है। अब इंटरनेशनल सिस्टम ही मान्य है, और ये इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, एक नाम नहीं याद आ रहा हमको, पेरिस में किसी जगह इसकी वर्ल्ड वाइड मीटिंग हुई, और ये हुआ कि ये यूनिट इन इन चीजों में मेजर की जाएगी, बात समझे, ये यूनिट इन इन चीजों में मेजर की जाएगी, और सबका एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन दिया गया, जिसे सेकंड को कहा गया कि 1 second इज दैट टाइम फॉर विच अ सीजियम एटम वाइब्रेट्स 9192631770 टाइम्स, इस तरह से डिफाइन कर दिया गया, 1 second की परिभाषा जो दी गई। अरे 1 second की जो डेफिनेशन है, 1 second इज दैट टाइम फॉर विच इन विच अ सीजियम एटम वाइब्रेट्स फॉर 9192633 है। अरे इतना हम आइंस्टाइन नहीं है, हम कुछ बातें आप इसमें बस काम की बात इतना जानिए, सीजियम आइटम इतनी बार वाइब्रेट करता है 1 second में, 1 second वो टाइम डिफाइन किया गया। उसके बाद वेट का डिफाइन किया गया, वो सब वेट का डिफाइन किया गया, साइक्लोस्टाइल नोट्स जो है उससे एक बार पलट लीजिएगा, हर बात मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, इस पार्ट से कहीं क्वेश्चन वोशन कॉम्पिटिशन में नहीं आता है, इवन बोर्ड में भी नहीं आएगा, लेकिन चूंकि सिलेबस में है तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, साइक्लोस्टाइल नोट्स है उससे एक बार आप पलट लीजिएगा, सारी बातें वहीं मिलेंगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद मास को डिफाइन किया गया कि एक प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर यहां रखा हुआ है तो उसके भार के बराबर को हम 1 kilogram मानेंगे, बात समझ में आ रही ना, उसके भार के बराबर को हम 1 kilogram मानेंगे। तो केजी को डिफाइन किया गया, टाइम को डिफाइन किया गया, ठीक है ना, राइट, यू कैन गो, क्लास इज गोइंग टू बी एंडेड, बट इफ यू वॉन्ट यू कैन सेपरेट। तो इस तरीके से टाइम को डिफाइन किया गया, और इस तरीके से मास को डिफाइन किया गया, और इस तरीके से सबको डिफाइन किया गया, ठीक है ना। तो ये 3 system ऑफ यूनिट्स हो गया, ये क्या हो गया, 3 system ऑफ यूनिट्स हो गया, एक सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, एमकेएसए और एसआई सिस्टम। तो ये सब सिस्टम देख लीजिएगा, फिर आपको कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स बताएगा, आप जब पलटेंगे मॉड्यूल का साइक्लोसाइड में सफिक्स एंड प्रीफिक्स, ठीक है ना। तो सफिक्स प्रीफिक्स देख लीजिए, ये सब आप जानते ही हैं, जैसे मान लीजिए बोल दिया कि 1 nanometer, तो नैनो का क्या, क्या, क्या मतलब होता है, मीटर तो आप जानते हैं, नैनो का क्या मतलब होता है, 10^-9, ये हो जाता है नैनो, ठीक है ना। बोल दिया पिकोमीटर, तो क्या, हाँ ठीक है ना। तो उसके बाद बोला कि माइक्रोमीटर, 10^-6, मिलीमीटर, 10^-3, किलोमीटर, 10^3। तो सफिक्स और प्रीफिक्स ये सब देख लिए, कन्वर्जन में मदद मिलेगी, सुनिए, कन्वर्जन में मदद मिलेगी। तो ये सारी बात सिस्टम ऑफ यूनिट्स में है, मैंने एक बार आपको ऐसे बता दिया, और साइक्लोस्टाइल नोट्स है, आप नोट्स भी मत देखिएगा, नहीं नहीं कुछ रटना भी नहीं, इसकी जरूरत भी नहीं है, मतलब सिलेबस में है तो मैं बोल दे रहा हूं। अरे ठीक है, जितना आता है सफिशियंट आता है, ये पिकोमीटर क्या होता है, माइक्रोमीटर क्या होता है, एमस्ट्रांग क्या होता है, क्या कोई नहीं आता, हाँ ठीक, एमस्ट्रांग 10^-10 meter, 1 angstrom बराबर 10^-10 meter, ठीक है ना। नैनोमीटर मतलब 10^-9 meter, मिलीमीटर मतलब 10^-3 meter, सब आप लोग जानते हैं। तो एक बार मैंने कह दिया, बल्कि आप नोट्स भी मत पढ़िए, आप कुछ मत पढ़िए इसके बारे में, टाइम मत वेस्ट कीजिए, नेक्स्ट बार से मैं क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, बल्कि पुराने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की वीडियोस रिवाइज कर लिए ज्यादा अच्छा है, नेक्स्ट बार से इसमें आऊंगा तो मैं क्लास कराऊंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने किसी तरीके से आपके 2 chapters को लपेट दिया, अब मैं इसको बंद करने जा रहा हूं।